आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और बहुत सारी बात जानेंगे। हिंदी दिवस 2022। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप भली भांति जानते हैं। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी को एक भाषा के रूप में अपनाया गया था, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं दी गई थी। तारीख को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुना था, और जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है, उस तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले चुना था। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। साल 1953 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसी दिन संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। जैसा कि मैंने आपको बता दूं कि हिंदी को 14 सितंबर को इसको बहुत सारे इस पे लोग इनका बात प्रचार करते हैं, इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा के इस दिन प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए मात्र एक दिन ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस भाषा की हम लोग प्रचार प्रसार कर सके। अब एक शायरी देखते हैं। समान जो खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व ना खो दें ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज हमारे भारत देश को गुलाम बना लिया था, और बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और कर भी रहे हैं। ये सही बात है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ गया है बिना अंग्रेजी भाषा जाने कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक हमारे पास एक सम्मान है, जिससे हिंदी भाषा को हम लोग बचाएं, उसको सम्मान दें, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। हिंदी भाषा को हम लोग नहीं बचाएंगे तो क्या अंग्रेज आएंगे बचाने? इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी भाषा को ज़रूर मनाएंगे, और हिंदी को एक बात बनाएंगे जो सभी आदमी के दिल में प्रेरणा हो कि वो भी हिंदी भाषा को सम्मान दे और हिंदी भाषा बोले। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ हिंदी बोले, हम लोग को अंग्रेजी भी बोलनी है, लेकिन हिंदी को हम लोग को सम्मान भी देना है। अगर आपको स्कूल या कोई भी प्रतियोगिता में हिंदी दिवस पे भाषण देना हो तो इस भाषण का प्रयोग ज़रूर करें। देखिए, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत के आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। देखिए, यहाँ पे भाषण हिंदी को भाषा का दर्जा मिला है, हिंदी को राष्ट्रभाषा यहाँ भी नहीं कहा गया है। 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी के आज़ाद हुए देश ने तब ये सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश में एक जैसी भाषा होगी, जिसके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक संवाद संभव हो सकेगी। आज़ादी के नायकों को इस बात के तनिक संदेह नहीं था कि हिंदुस्तान की संपर्क भारत बनाने की महती दायित्व केवल और केवल हिंदी उठा सकती है। इसलिए इस संविधान निर्माताओं ने देवनागरी को लिखी हिंदी को नए देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि जब तक हिंदी वास्तविक आयोग के पे पूरे देश में संपर्क भाषा नहीं बन जाती, तब तक अंग्रेजी भी देश की आधिकारिक भाषा रहेगी। आगे देखते हैं। संविधान निर्माताओं का अनुमान था कि आज़ादी के बाद अगले 15 सालों में हिंदी पूरी तरह से अंग्रेजी की जगह ले लेगी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, दो या देश से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सभी इस बात से एकमत थे कि ब्रिटिश की गुलामी के प्रतीक अंग्रेजी भाषाओं को हमेशा के लिए देश के आधिकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी फूट डालो और राज करो, ये जो फूट डालो और राज करो ये B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया था, फूट डालो और शासन करो की नीति भाषा की क्षेत्र में
चलती रही। हिंदी के एकमात्र आधिकारिक भाषा के खिलाफ उनकी बहनों ने ही बगावत कर दी। उन लोगों को एक पयाड़ी भाषा अंग्रेजी के पक्ष में खड़ा होकर अपनी सहोदर भाषा को विरोध किया, जबकि उनका भय पूरी तरह निर्धारित था, हिंदी किसी भी दूसरी भाषा की कीमत पर राष्ट्रभाषा नहीं बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।